आगरा की वरिष्ठ भाजपा नेत्री बबीता चौहान को राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बनाया गया। वहीं इसके बाद से अपने नेता को बधाई देने के लिए उनके आवास पर उनके साथियों ने पहुंच उनको बधाई दी। वहीं इस मौके पर बबीता चौहान ने कहा कि अपर्णा यादव के साथ मिलकर वो महिलाओं की समस्या सुलझाने के लिए बेहतर काम करेंगी। उन्हें जो जिम्मेदारी दी गई है उस पर खरा उतरने के लिए पूरा प्रयास करेंगी। भाजपा महिला मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष बबीता सिंह चौहान को अंतः संघर्ष का परिणाम मिल गया है। राज्य महिला आयोग में अध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने भाजपा शीर्ष नेतृत्व का आभार जताया। जब उनसे पूछा गया कि अध्यक्ष पद के लिए उनका और मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव का नाम चल रहा था, अब अध्यक्ष बनने के बाद उनके साथ कैसा सामंजस्य बनेगा, उस पर उन्होंने कहा कि वो बहू मुलायम सिंह यादव की हैं लेकिन कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी की है। वो पिछले 3-4 साल से पार्टी के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, उनके साथ बेहतर तालमेल बैठेगा और दोनों मिलकर महिलाओं को सशक्त करने के लिए बेहतर काम करेंगे। महिलाओं के प्रति अपराधों की संख्या बढ़ रहे हैं, अक्सर सुनाई देता है कि थानों में महिलाओं की सुनवाई नहीं होती, क्या करेंगी। इस पर उन्होंने कहा कि इस समय प्रदेश की कमान सबसे सुरक्षित हाथों में है। देखिए, मैं अगर उत्तर प्रदेश की बात करूँ तो उत्तर प्रदेश आज बहुत सुरक्षित हाथों में है। वो अपने मैं बिल्कुल कह सकती हूँ कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का जो महिलाओं के प्रति जो केंद्र है, महिला उनकी किसी भी योजना का या किसी भी दृष्टि से जो उनका केंद्र बिंदु है वो महिलाएं, कि उनको कैसे सुरक्षित रखा जाए, उनको कैसे आत्मनिर्भर बनाया जाए, उनको कैसे सुदृढ़ बनाया जाए, उनको कैसे शिक्षित बनाया जाए, तो निश्चित रूप से मैं ये कह सकती हूँ कि आज हमारा उत्तर प्रदेश बहुत ही सुरक्षित हाथों में है, महिलाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और बाकी सारी चीज़ों से भी। तो महिलाओं की बात की जाए तो केंद्र सरकार है चाहे राज्य सरकार है, दोनों ही सरकारें महिलाओं के लिए बहुत कुछ कर रही हैं। और रहा सवाल मेरा, तो इससे पहले भी मैं महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ और ब्रज क्षेत्र अध्यक्ष भी रही हूँ, तो निश्चित रूप से मेरा महिलाओं के बीच में ही सारा कार्यशैली मेरी जो थी वो महिलाओं के बीच में ही थी। तो मुझे लगता है कि सब अच्छा होगा जहाँ भी हमारी ज़रूरत होगी। आज हमारे बीच जो आगरा की लोकप्रिय नेता भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की ब्रज क्षेत्रीय अध्यक्ष रही, वर्तमान में उत्तर प्रदेश की उपाध्यक्ष हमारी भाभी बबीता सिंह चौहान जी, जो लगातार संघर्ष कर रही हैं और पार्टी के लिए निरंतर कार्य कर रही हैं, उनको एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दी गई है। माननीय राज्यपाल जी द्वारा उनको जो अपना महिला आयोग है उसका अध्यक्ष बनाया गया है उत्तर प्रदेश का, उसके लिए उन्हें सभी हम लोगों ने बधाई दी है। साथ ही नेतृत्व का आभार व्यक्त किया है कि उनको इतनी बड़ी जिम्मेदारी थी क्योंकि वो लगातार क्षेत्र के अंदर मेहनत कर रही थी और वो इस जिम्मेदारी के लायक थी, तो इसलिए क्षेत्रीय जो अपना नेतृत्व है वो भी आभार का उनको भी हम आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने इतनी बड़ी उनको जिम्मेदारी दी ताकि जो उत्तर प्रदेश की महिलाओं के लिए वो निरंतर कार्य करेंगी, हमें पूरा विश्वास है। और जो महिलाएं कहीं ना कहीं पिछड़ रही हैं, उनको जो अधिकार नहीं मिल पा रहा, उनको अधिकार दिलाने का काम भाभी जी करेंगी, ये हमारा पूर्ण विश्वास है। थानों में सुनवाई न होने की शिकायत मिलेगी तो उसको देखा जाएगा, अधिकारियों के साथ बैठक कर रणनीति तैयार की जाएगी। उनका कहना है कि इससे पहले भी वो महिला मोर्चा की अध्यक्ष रह चुकी हैं, महिलाओं के बीच रहकर काम करने का अनुभव है, इस बार जो जिम्मेदारी मिली है उसे पूरी तरह से निभाया जाएगा। समाज सेवा में जितेंद्र चौहान और बबीता चौहान को कई पुरस्कार मिल चुके हैं। बबीता भाजपा में हर जिम्मेदारी पूरी मेहनत से निभा रही है। भाजपा महिला मोर्चा की क्षेत्र अध्यक्ष के रूप में उन्होंने शानदार कार्य किया, उनके कार्यों को देखते हुए उन्हें पार्टी द्वारा भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष बनाया। मून न्यूज के लिए कैमरामैन ताराचंद के साथ अनिल चौधरी की रिपोर्ट।